फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मंडे है और ईद जो है वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो आज जो है मैंने ये जो ड्रेस पहना है ये स्पायर का है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी पहली वीडियो में। इसके साथ मैंने आपको तैयार होकर भी दिखाया है, लेकिन आज मैंने बहुत लाइट सा जो है ना, मैंने बस बीबी क्रीम थोड़ी सी लगाई है और लिपस्टिक लगाई है। वो इसलिए लगाई है क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, वैसे ही थोड़ा सा हम घूमने फिरने जा रहे हैं, और अगर देखेंगे कोई चीज़ पसंद आई तो वो भी लूँगी क्योंकि ईदी जमा हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा सब जा रहे हैं बाहर घूमने तो हम भी जाते हैं। तो हम जाएंगे बैकेजेस मॉल और आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मेरी पहली वीडियो भी देखिएगा, उसमें मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स से सिर्फ मेकअप करना दिखाया था। मैं जिस तरह करती हूँ उसी तरह आपको दिखाती हूँ, बाकी जो है कभी कोई लुक क्रिएट हो जाती है कभी कोई, लेकिन ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है। तो अब जो है दैट इज़ माय आउटफिट। और जूता जो है वो मैंने खाड़ी से लिया था, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट जूता है, सैंडल मुझे बहुत पसंद है। ये जो है मैंने सेल से लिया था और आखिरी पीस ही था जो मैंने लिया है। तो ये जो है ना मुझे वाकई में बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा लगता है ये पहना हुआ, ठीक है, बहुत ही कैजुअल सा, लाइट सा और डेलिकेट सा। मुझे इस तरह के जूते बहुत पसंद आते हैं, अगर मैं किसी को पहने भी देखूँ तब भी पसंद आते हैं। तो अब जो है ज़्यादा बातें किए बगैर चलते हैं और बाकी आपको दिखाती हूँ। तो ये हम अब पैकेजेस मॉल आ गए थे और हम लोग जो है अब जाएंगे अंदर। और हमने जो है काफ़ी चीज़ें देखी थी, लेकिन मुझे जो है एक शर्ट पसंद आई थी तो मैंने वो ली थी। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हमने KFC खाया, और उसके बाद फिर जो है हमने आते हुए आइसक्रीम खाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया। मैं घर आ चुकी हूँ और अब जो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कौन सी शर्ट ली। हमने वहाँ पे बहुत कुछ देखा था लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया वहाँ से। सारी जो कलेक्शन थी वो पुरानी थी और इतनी कोई नई खास चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जो है ना हम बस ऐसे ही जो है फिरने फिराने गए थे बस। और फिर मुझे जो है एक शर्ट पसंद आ गई तो मैंने वो ले ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सी है। तो वो थी थ्रेड्स एंड मोटिव्स की, ठीक है, ये पैकेजेस मॉल में, बाकी इसकी आउटलेट्स होंगी। मैंने स्टिच शर्ट ली है, ठीक है, ये वाले कलर की है शर्ट, ये जो है ना ये लेमन सा कलर है और मुझे ये बहुत पसंद आई ये शर्ट ना। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अभी ठीक करवाऊंगी, ठीक है। ये जो है ना इस तरह की है, इसके जो बाजू है ना ये इस तरह की शर्ट है, ये मैंने बड़ी ईद के लिए ले ली है। तो अब इसको जो है ना हम करवाएंगे बाद में ठीक। ये इस तरह से ये जो है इसका गला बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो पैच लगा हुआ है गले का, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना इसका जो है ना मेन जो बात है इसकी, ये देखो इसकी नेकलाइन आप लोग, ये ना इसके बाजू कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा गैप है तो मैं पता है क्या करूँगी, मैं ना इसको सही करवा लूँगी, थोड़ा सा ऊपर करवा लूँगी, थोड़ा सा गैप रहने दूँगी। ये अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है हम इस तरह पहनते नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना इसको ज़रा करवा के ना तो बिल्कुल ही थोड़ा सा गैप रह जाएगा। और इसके जो है ना बाजुओं पर भी ये देख सकते हो आप लोग के पैच लगा हुआ है, ठीक है, बहुत प्यारा सा इस पर काम हुआ हुआ शर्ट पर। ये पूरी शर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ सारी। मुझे लिटरली पूरे मॉल में और कोई चीज़ पसंद नहीं आई इस शर्ट के अलावा। तो ये जो है ये इसका जो है नीचे से बॉटम है सारा ठीक हो गया, ये इस तरह से जो है ये बनी हुई है। इसका जो है बैक आपको दिखाती हूँ, ये जो है बैक, रुक के मैं आपको ना बैक दिखाती हूँ। ये रही हमारे पास इसकी बैक, ठीक है, बैग भी बहुत प्यारी सी, उधर भी पैच लगा हुआ है सारा। तो इसका जो है ना मैंने इसका ये सोचा है कि ये हम बड़ी तो पहनेंगे क्योंकि अभी तो बहुत कपड़े हो गए हैं, तो इसको जो है सही करवाऊंगी मैं। और इसको इसके साथ का मैं हैवी थोड़ा सा दुपट्टा ले लूँगी ताकि पूरी वैसी लुक बन जाए। तो इसके साथ अब हम लेंगे शलवार और इसके साथ दुपट्टा लेंगे। दुपट्टा मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना हैवी सा लूँ ताकि जो है ना पूरा ही सूट ना मेरा बन जाए। प्राइस जो है इसकी वो है 47.90। आप लोगों को ये वेबसाइट पर भी इनकी मिल जाएगी। इनके पास बहुत प्यारे कपड़े थे, ठीक है, बहुत जिसे कहते हैं ना डिसेंट लुक वो वाले कपड़े देते हैं। और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है शर्ट का। मुझे बस यही चीज़ अट्रैक्ट की थी पूरे मॉल में तो मैंने ये ले ली।
बाकी जी यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मैंने अपनी ईदी से ली है, जो मेरे पास पैसे जमा थे उसकी मैंने ये ले ली है सिर्फ, ठीक है। मेरे पास थोड़े बहुत ही जमा थे तो इसलिए मैंने जो है ये अपना बड़ी ईद का ड्रेस ले लिया है। एक ये होगा और एक जो है वो हम ले लेंगे दूसरा। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।